नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। गोगा नवमी की तिथि, दिनांक एवं नवमी तिथि के प्रारंभ होने का समय व समाप्त होने का समय से संबंधित एक वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं आपको गोगा जी महाराज की कथा सुनाती हूँ। यदि आप गोगा नवमी के दिन व्रत व उपवास रखते हैं तो आप गोगा जी महाराज की कथा अवश्य सुने। गोगा जी की कथा सुनने से आपको उस व्रत और उपवास का फल संपूर्ण मिलता है। गोगा नवमी के विषय में बहुत ही एक पुरानी कहानी है कि गोगा मारू देश के राजा थे और उनकी माँ बाछला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। कथा के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बाछला के राज्य में गए। जब रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर वह शिष्य पूरे नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचा। रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह सब लेने से मना कर दिया और सिर्फ थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश अपने पूरे घमंड में कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे? तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देते हैं। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा जाता है और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो जाता है। फिर भी योगी का पात्र नहीं भरता। तब रानी गोरखनाथ के शिष्य की भक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और उनसे क्षमा याचना की गुहार करने लगी और कोई संतान ना होने का दुख बताती है। भिक्षक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनसे ही आप अपने पुत्र प्राप्ति का वरदान ले सकते हैं। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ के आश्रम जाने को तैयार हो गई, तभी उसकी बहन काछला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उससे आशीर्वाद के रूप में दो फल ग्रहण करती है। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचती है तब गोरखनाथ जी, जो कि पहले से ही सारी बात जानते थे, उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दे दिए और साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि उसे जो पुत्र की प्राप्ति होगी वह बहुत ही वीर पुरुष होगा और नागों को वश में करने वाला सिद्धियों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक याद करेंगे। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्म बालक का नाम गोगा गोगा रखा गया। बड़े होने पर जब गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मालव की बेटी से होना तय होता है, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा जी से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी संपूर्ण बात बताते हैं। बाबा गोरखनाथ ने गोगा जी को दुखी देख उनकी सहायता के लिए वासु की नाक से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाया। कहा जाता है कि राजा के बड़े से बड़े वेद भी उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाए। तभी वेश बदले वासु की नाग ने राजा से कहा कि यदि वह गुगा मंत्र का जाप करेंगे तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा गुगा मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करने लगे और देखते ही देखते राजा की बेटी सूर्यली विष के प्रभाव से मुक्त हो गई और राजा अपने कथन के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गोगा से करवाते हैं। इस प्रकार गोगा जी का विवाह राजा की उस पुत्री से भी हो जाता है। तो देखिए आप गोगा जी की सिद्धियां, गोगा जी के आप जयकारे लगाएं, गोगा जी को आप राखी बांधे, गोगा जी आपकी सर्पों से रक्षा एवं किसी भी प्रकार की चोट व नुकसान से हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। गोगा जी महाराज की जय हो, नीले घोड़े वाले की जय हो, बोलिए गोगा पीर की जय। धन्यवाद।